सामाजिक विज्ञान के आईएमपी प्रश्नों की श्रृंखला में आज अपन सेट सी समझेंगे। बढ़िया से कंप्लीट करो, वादा किया है कि आपको परीक्षा हाल में इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो मिलेगा 100% श्योर लीजिएगा। जैसे कई बच्चों का हिंदी का पेपर हो भी गया होगा तो आपने देख लिया होगा कि अधिकांश उसी में से फंसे, तो घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ, हर घड़ी हर पल आपके साथ हूँ, ठीक है। 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली थी? तो अफ्रीका में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है लोकतंत्र का? भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे जी ने। 2019 के में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी? 14.36%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष प्रकाशित किया गया? तो ये आपका 1995 में प्रकाशित किया गया था। यहां से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहला ऑप्शन ये, दूसरा 1916 जाएगा, तीसरा जो आएगा डेमोक्रेटिक क्रसी आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया से कंप्लीट करो, वादा किया है आपको अच्छे टॉपर बनाओ तो बना के ही छोड़ूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करो आप तो, है ना, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जानते हैं, है ना। भारत में औसतन एक स्त्री जो है एक पुरुष की तुलना में एक घंटे ज्यादा काम करती है। हो गया। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी। यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है आपका ये, यहां से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हिंदू स्वराज्य का जाएगा आपका महात्मा गांधी। सीमेंट का कारखाना का जाएगा द्वितीय क्षेत्र प्रयागराज का जाएगा श्रृंगवेरपुर। महामंदी 1929। मक्का आयात पर प्रतिबंध कॉर्नेला के द्वारा लगाया गया था। दूसरा गोल मेज सम्मेलन इसका आपका जाएगा 1931। यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से, ठीक है। लॉर्ड बायरन कौन था? अंग्रेज कवि। जे एन टाटा ने भारत का लौह इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया? जमशेदपुर में। लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्था उसका से बेहतर है, एक बिंदु लिखना है आपको, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना। हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है आपका 2011 में जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। भारत में सहकारी बैंकों की रचना किस प्रकार हुई? त्रिस्तरीय। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस देश में किया गया? 1953 में किया। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल राइट बात है। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, असत्य है, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बिल्कुल ये सत्य बात है, सत्य सत्य आप कर सकते हैं, कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है ना। अपन देखते हैं सॉल्यूशन अच्छे से, ये यहां से हो गया। पहले तो आप पेपर देखो, सबसे पहले तो क्या देखना पड़ा पेपर, ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो, इसलिए सबसे पहले तो पेपर देखो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे ना। बढ़िया से, भूमि निम्नीकरण क्या है? मृदा परिच्छेदिका का क्या तात्पर्य है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है? गहन कृषि की विशेषता है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, सड़क परिवहन की विशेषता आपको बतानी है, पाइपलाइन के महत्व बताने हैं, भारत में पर्यटन के लाभ बताइए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 देख लीजिएगा। आयात शुल्क हो गया है, ये सारा सॉल्यूशन अपना भी देखने वाले हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 17 हो गया। इसके बाद वन और वन्य जीव संसाधन में किस प्रकार वितरण किएगा? एकात्मक शासन के दोष बताने हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। ये इसका तो ये क्वेश्चन नंबर 21, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन,
बहुजन समाज पार्टी के सार्वभौम विचार व संगठन प्रबंधन करना है, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22 का थोड़ा और ये 23। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, यहाँ पर संसाधन से क्या आशय है, इनके जीवन का, इनके हमारे जीवन पर क्या महत्व है। देखिए संसाधन का मतलब क्या है, पर्यावरण में वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, जो मतलब क्या करेगी, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ता है वो कहलाते हैं संसाधन। इनका हमारे जीवन में महत्व क्या है, आज संसाधन हमारी प्रगति के सूचक बन गए हैं, संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं, संसाधन के कारण मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल को बढ़ाया है। ठीक हो गया, इतना क्या बोला है मैंने कि संसाधन क्या है वास्तव में, कि वे सारी की सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, ये पेन, ठीक है, ये कागज, ये मोबाइल, सब कुछ ये क्या है आपके संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, और जल संसाधन, वायु संसाधन, ये सब जानते हैं। अब महत्व तो क्या है, ये हमारे प्रगति का सूचक है, सरल और सुखद बना दिया इन्होंने हमारे जीवन को, ठीक है, यहां से अपन देख सकते हैं। चलिए ज्यादा कठिन नहीं है, बांगर क्या है, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं अपन, बांगर कहते हैं। यहां नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, पुरानी मृदा है, तो नाम क्या है, बांगर, नाम में लग रहा है पुराना नाम होगा, बांगर खांगर डांगर, ठीक है। तो ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहेंगे अपन बांगर। यहाँ नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन मृदा है, यहाँ स्लेटी रंग की चिकनी मृदा है। चलिए अगला देखते हैं, भूमि निम्नीकरण क्या है, भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि के उपजाऊपन में कमी आना, अर्थात प्रकृति तथा मानवीय कारणों से भूमि की गुणवत्ता में कमी आए, तो इसे हम कहते हैं भूमि निम्नीकरण। मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है, मृदा में क्रमिक क्षितिजों, क्षितिज परतों, विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट को अपन मृदा परिच्छेदिका कहते हैं, ठीक है। इन्हें कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, कि मृदा में क्रमिक क्षितिज परतों और विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाले ऊर्ध्व काट, ऊर्ध्व का मतलब हिस्सा, खड़े काट को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सिंपल परिभाषा लिखा दी मैंने यहाँ पर। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है प्रश्न को थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है। देखिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का अपन उदाहरण देखे ना, तो ये इसका उदाहरण है, यहां से ये चित्र में जो दिख रहा है ना, और ये भारत के कई भागों में अभी भी कर रहे हैं, अपन ही कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं ना, तो अमीर खानदान में पैदा को तो कहते नहीं आए अपन भी गरीब खानदान के ही, ठीक है। तो ये यहाँ कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है, यहाँ कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाओ और खुदाई के करने वाली छड़ी तथा परिवार या समुदाय की मदद से की जाती है। गहन जीविका कृषि की विशेषताएं बतानी है, इस खेती में देखिए गहन जीविका कृषि कहते क्या है, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में करना, जिसे मतलब हमारे लिए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि गेहूं एमपी वालों के लिए, और वही चीज यदि पंजाब वाले करेंगे गेहूं पैदा, तो वो कहलाएंगी गहन जीविका कृषि, क्योंकि उनका थोड़ी ज्यादा पैदावार होगी, धंधा ज्यादा होगा, बिजनेस ज्यादा होगा, टर्नओवर ज्यादा होगा, सीधी सी बात। तो इस खेती में वर्ष में एक से अधिक खेती की जाती है, अच्छे बीजों का उपयोग करके अधिक उत्पादन के लिए जाता है, इसमें कम भूमि पर अधिक मुनाफा होता है, कृषि में यंत्रों का प्रयोग से कृषि से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से निपटाया जाता है। अगला है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर। देखिए सार्वजनिक का मतलब क्या है, जो ठीक है जो सरकार के स्वामित्व में हो, ठीक है, वो जो सार्वजनिक उद्योग का स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन के पास होता है। निजी का क्या है, निजी उद्योग का स्वामित्व व्यक्ति विशेष, कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का इस पर अधिकार। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कठिन नहीं है ज्यादा, ये हो गया इतना, क्योंकि लंबा होगा बहुत वीडियो, यदि मैं समझाऊंगा पूरी तरह, और इतना अपने पास टाइम नहीं बचा है ना,
आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, वो सर बच्चों को यह आता भी पहले से, ऐसा नहीं। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ये देखिए हो गया। सड़क परिवहन की विशेषताएं क्या है, सड़कें उबड़ खाबड़ जगहों पर बनाई जाती है, सड़कें गांव को शहर से जोड़ती है, छोटी और कम दूरियों के लिए तीव्र गति का से परिवहन किया जाता है, पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए, यहां जल और थल दोनों में बिछाई जाएगी, यहां सबसे सुरक्षित और सुनिश्चित आपूर्ति का महत्वपूर्ण साधन, भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ, तो बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है, ये हो गया आपका पर्यटन उद्योग के लाभ। ठीक है भैया, बहुत ही सिंपल है और मैं कम से कम समय में आपको प्रोवाइड कराना चाहता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। हमारे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके पास समय कम है, बिना टिकट यात्रा, तो बिना टिकट यात्रा करने से भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक की हानि होती है। रेल दुर्घटनाएं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में पड़ जाता है तथा रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है। तो और भी अपन हानि, 2-4 और हानि कर लेना आप, ठीक है। सुनाइया, बिना टिकट की यात्रा हो गई है, रेल दुर्घटनाएं हो गई है, ठीक है, चोरी जैसी घटनाएं ज्यादा होती है इसमें, ठीक है, ये सामान किन की। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन कौन सी थी, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो केंद्रीय शक्ति थी वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की केंद्रीय शक्तियां थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी, एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नाजी जर्मनी और इटली थी। पहली क्या थी, जिसमें नाजी जर्मनी हो गई है, जापान और इटली थी। दूसरी खेमा मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। आयात शुल्क से क्या आशय है, देखिए यहाँ किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क है। यहाँ कर या शुल्क उस जगह से लिया जाता है जहां से वहां वस्तु देश में आती है, अर्थात सीमा पर या हवाई अड्डे पर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहाँ पर देखिए 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण के लिए गतिविधियां तेजी से बढ़ी, लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेल लाइनों का विस्तार किया गया, ये सारे काम किए गए, है ना। 1840 के दशक के बाद शहरों के निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी थी। ठीक है भैया, तो ये आप बढ़िया से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ से आपका जी 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 भैया कौन थे, जमशेद जी जी भैया, बढ़िया से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, आराम से करो कम्प्लीट, है ना। समय कम है, वरना में एक ही चीज आपको बारीकी से समझाता भी सही। ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर दूँ ना, हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आपका जाएगा मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए, हो गया। गुटेनबर्ग प्रेस पर टिप्पणी लिखिएगा, अल्प बेरोजगारी क्या है, किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना ही क्या कहलाता है, अल्प बेरोजगारी कहलाएगा। अंतिम उत्पादन, सिंपल सी बात है, हो गया। कंटेनर क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है बताइए, वस्तुओं के कंटेनरों में रखा जाता है जिससे इन्हें जहाजों, रेलों, वायुयानों एवं ट्रक पर बिना क्षति के लादा जा सके। कंटेनरों से ढुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों में पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार वायु यातायात की लागत में गिरावट आई, परिणाम स्वरूप वायु मार्ग अधिक मात्रा में वस्तुओं का परिवहन संपन्न हुआ है। योग्य क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से, वैश्वीकरण से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं बताइए, सभी लोगों को लाभ नहीं, ठीक है, श्रमिकों के जीवन पर संकट ना,
और क्षेत्रीय असमानता है, थोड़ा अंदर पड़ोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। हो गया इतनी चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 है वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव है ना। वन जीव संसाधनों ठीक है कवर वितरण पर लेख लिखना है प्रकार बताने, तो ये वितरण तो हो गया इतना। उसके बाद में इनका प्रकार आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जीव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जी हो गया यहां से। जी क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन योग्य इतना। औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण में अंतर में क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को ही कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए।